हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चिन्हों के नियम यानी रूल्स ऑफ साइंस। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद आंसर को कौन सा साइन दिया जाता है, यह हम चिन्हों के नियमों से देखने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं धन संख्याएं कौन सी होती है और ऋण संख्याएं कौन सी होती है। जिन संख्याओं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता या फिर धन चिन्ह होता है, उन संख्याओं को धन संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं प्लस फाइव या फिर सिर्फ फाइव। उसके बाद हम देखेंगे ऋण संख्याएं कौन सी होती है। जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह होता है, उन संख्याओं को ऋण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस ए और ऐसी कौन सी भी संख्या है जिसके आगे माइनस चिन्ह होता है। शुरुआत में हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के नियम देखने वाले है। संख्याओं के चिन्हों के जो नियम एडिशन में लागू होते हैं, वही सेम नियम सब्सट्रैक्शन में लागू होते हैं। पहला नियम है, यदि दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या पॉजिटिव है और दूसरी भी संख्या पॉजिटिव है, तो ऐसे में उन संख्याओं की हम एडिशन करेंगे और जो आंसर होगा उसको साइन हम प्लस देंगे। दूसरा नियम है, यदि दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या पॉजिटिव है और दूसरी संख्या नेगेटिव है, तो ऐसे में हम उन संख्याओं की सब्सट्रैक्शन करेंगे और इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसका साइन हम आंसर को देंगे, यानी साइन होगा बड़ी संख्या का। तीसरा नियम है, यदि दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या पॉजिटिव है, तो हम उन दोनों की सब्सट्रैक्शन करेंगे और साइन जो देंगे हम वो बड़ी संख्या का साइन देंगे आंसर को। चौथा नियम है, यदि दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या भी नेगेटिव है, तो ऐसे में उन संख्याओं की हम एडिशन करेंगे और बड़ी संख्या का साइन यानी कि नेगेटिव साइन हम आंसर को दे देंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। पहले नियम पर पहला एग्जांपल, इस एग्जांपल में दिए गए दोनों नंबर्स पॉजिटिव है इसलिए हम इसकी एडिशन करेंगे, तो पाँच में तीन मिलाएंगे तो हमारा आंसर होगा एट और जो साइन होगा वो बड़ी संख्या का यानी प्लस साइन हम देंगे। प्लस साइन नहीं दिया तो भी चलता है यानी हमारा आंसर एट आ गया। उसके बाद दूसरे नियम पर दूसरा एग्जांपल, इस एग्जांपल में पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, ऐसे में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी पाँच में से तीन घटाएंगे, तो पाँच में से तीन घटाएंगे तो बचे सिर्फ दो और जो साइन होगा वो बड़ी संख्या का यानी पाँच का साइन होगा यानी प्लस टू, यानी कि हमारा आंसर आ गया दो। उसके बाद तीसरा एग्जांपल तीसरे नियम पर आधारित, यहाँ पहली संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो पाँच में से तीन घटाए बचे दो और साइन हम आंसर को देंगे बड़ी संख्या का, यहाँ बड़ी संख्या पाँच का साइन नेगेटिव है इसलिए हमारा आंसर आ गया माइनस टू। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल चौथे नियम पर आधारित, यहाँ दोनों संख्याएं नेगेटिव है इसलिए हम दोनों संख्याओं की एडिशन करेंगे, तो पाँच और तीन मिलाए तो हो गया आंसर एट और उसके बाद बड़ी संख्या का जो साइन है यानी कि नेगेटिव एट हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ साइंस इन मल्टीप्लिकेशन। संख्याओं के चिन्हों के जो नियम मल्टीप्लिकेशन में लागू होते हैं, वही सेम नियम डिविजन में भी लागू होते है, इसलिए किसी एक क्रिया के नियम हमने याद रखे तो भी सफिशियंट होता है। पहला नियम हम देखने वाले है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दिए गए दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो उसकी हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर को जो साइन देंगे वो पॉजिटिव होगा। दूसरा नियम, मल्टीप्लिकेशन में अगर दिए गए दो नंबर में से पहला नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर को साइन देंगे वो नेगेटिव साइन होगा। तीसरा नियम, मल्टीप्लिकेशन में दिए गए दोनों नंबर में से पहला नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर को जो साइन देंगे वो नेगेटिव साइन होगा। चौथा नियम, मल्टीप्लिकेशन में दिए गए दोनों नंबर अगर नेगेटिव होंगे तो उसकी हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव होता है इसलिए हम आंसर को साइन देंगे वो पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखने वाले है। पहले नियम पर आधारित पहला एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन में दिए गए अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो उनकी हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो साइन आएगा आंसर को वो पॉजिटिव होगा यानी आठ दूनी सोलह और साइन जो होगा वो पॉजिटिव साइन होगा यानी हमारा आंसर आ गया सोलह। उसके बाद
दूसरा एग्जाम्पल दूसरे नियम पर आधारित मल्टीप्लिकेशन में अगर पहली संख्या पॉजिटिव है और दूसरी संख्या नेगेटिव है तो उसका हम सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 8 दूनी 16, और जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन हम आंसर को दे देंगे। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल तीसरे नियम पर आधारित, यानी मल्टीप्लिकेशन में पहली संख्या अगर नेगेटिव होगी और दूसरी संख्या पॉजिटिव होगी तो उन दोनों संख्याओं की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर का साइन होगा वो हम नेगेटिव साइन देंगे। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल चौथे नियम पर आधारित, यानी मल्टीप्लिकेशन में दिए गए दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो उन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव प्लस साइन आ जाता है, इसलिए हम आंसर में साइन पॉजिटिव देंगे, इसलिए हमारा आंसर हो गया 16। उसके बाद हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ साइंस इन डिवीजन। उसमें पहला नियम हम देखने वाले हैं, डिवीजन में अगर दिए गए दो संख्याओं में से दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी तो उसकी हम सीधी डिवाइडेशन करेंगे और जो आंसर का साइन होगा वो हम पॉजिटिव देंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8/2, इसको हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4, और 4 को हम साइन प्लस साइन देंगे। दूसरा नियम, डिवीजन में दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या पॉजिटिव है और दूसरी संख्या नेगेटिव है, ऐसे में उन दो संख्याओं की हम डिवीजन करेंगे और जो आंसर आएगा उसको साइन हम नेगेटिव देंगे। उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पहली संख्या 8 का साइन पॉजिटिव है और दूसरी संख्या 2 का साइन नेगेटिव है, ऐसे में हम सीधा उनकी डिवीजन करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, इसलिए हमारा आंसर हो गया 4, और साइन जो हम देंगे वो नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद तीसरा नियम, डिवीजन में दिए गए दो संख्याओं में से पहली संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या पॉजिटिव है तो ऐसे में हम उन दो संख्याओं की डिवीजन करेंगे और जो आंसर का साइन होगा वो हम नेगेटिव साइन देंगे। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पहली संख्या 8 का साइन नेगेटिव है और दूसरी संख्या 2 का साइन पॉजिटिव है, इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, और साइन हम देंगे वो नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद चौथा नियम, डिवीजन में दिए गए दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव होंगे तो हम सीधा उनकी डिवाइडेशन करेंगे और आंसर को जो साइन देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस साइन हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8/2, इसको हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, और नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस साइन हो जाएगा। संख्याओं के चिन्हों के जो नियम मल्टीप्लिकेशन में लागू होते हैं वही सेम डिवीजन में ही लागू होते हैं, इसलिए हम किसी एक क्रिया के नियम याद रखेंगे तो भी सफिशियंट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।